required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Dr. L. Murugan. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Sri Ajay Tamta. मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बंदी संजय कुमार। मैं बंदी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कमलेश पासवान, मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अशुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भागीरथ चौधरी, मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सतीश चंद्र दुबे, मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री संजय सेठ, मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रवनीत सिंह, आई रवनीत सिंह बिट्टू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड Alliance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister of constantly discharge my duties as a minister of state for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
श्री दुर्गादास उइके, मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री सुकांत मजूमदार, I सुकांत मजूमदार डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अफोर्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Sukanto Mojumdar do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. श्रीमती सावित्री ठाकुर, मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुरोध देश या बिना प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का समीप निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा आप प्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूंगी। श्री तोखन साहू, मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
प्रणाम। श्री राजभूषण चौधरी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, मैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हर्ष मल्होत्रा, मैं हर्ष मल्होत्रा
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई भामड़िया, मैं नीमूबेन भामड़िया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन भामड़िया ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री मुरलीधर मोहोल, मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोळ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जॉर्ज कुरियन। I जॉर्ज कुरियन डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड अलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor affection or ill will I George Kurian do swear in the name of God that I will do will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state श्री पवित्र मार्गेरिटा। I पवित्र मार्गेरिटा डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियंशियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor affection or ill will I Pavitra Margarita do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।
राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। अब राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी तथा प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों की और उसके बाद अन्य देशों के आमंत्रित राष्ट्र प्रमुखों की ग्रुप फोटो होगी। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी से साथ अनुरोध करते हैं कि कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर पधारें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार मिल गई है। आज की रात लोकतंत्र का नया सूरज आएगा, इसका संदेश लेकर आई है और अब उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास ये देश और इस देश का प्रत्येक नागरिक देखेगा। नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगी इस समय ग्रुप फोटो के लिए। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओथ टेकिंग सेरेमनी इज द फोटो ऑप विथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। द न्यूली इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ प्रूडेंट मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद नया भारत नई आशा, नई आकांक्षा और उम्मीदों के साथ नई पारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। असल में ये अंत नहीं, शुरुआत है। भविष्य के लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त करेगा। भारतवासियों की आज यही कामना है। इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इस भव्य समारोह के लगभग समापन की तरफ अग्रसर। यह समारोह और जैसे कि नए भारत का जिक्र है, वाकई में यह नया भारत है जहां जोश भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी। नया भारत जो सुरक्षित, समृद्ध, शक्तिशाली है और जिसका आधुनिक विज्ञान के साथ तकनीकी क्षेत्र में दबदबा भी है। ये नया भारत है जहां जन के मन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें खुशहाल, उन्नत और प्रगतिशील बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। दिस मार्क्स अ मोमेंट ऑफ अ न्यू डॉन वेयर इंडियाज डेस्टिनी विल टेक अ न्यू शेप एंड डायमेंशन। दीज विजुअल्स विल गो डाउन इन मेमोरी लेन एज अ टेस्टमेंट टू दिस सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन आवर नेशंस हिस्ट्री। एज द प्रोसीडिंग्स draw to a close, the forecourt of Rashtrapati Bhavan stands illuminated, a testament to the enduring power of democracy and the collective will of the people. The ceremony is about to conclude, but the journey ahead is one of promise and potential. Hamare videshi mehman, hamare padosi deshon ke rashtradhyaksh aur shasanadhyaksh और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के राजनेता इस समय मंच पर, और ये वो यादगार तस्वीरें हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐतिहासिक पल,
इतिहास में दर्ज होता हुआ। हेड्स ऑफ स्टेट हु हैव कम स्पेशली टू विटनेस द हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन ऑफिस, अ वंडरफुल फोटो ऑप, द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हिज एक्सीलेंसी रानिल विक्रमसिंघे, President of Maldives, His Excellency Dr. Mohamed Mouidzou, the Vice President of Seychelles, His Excellency Ahmed Afif, the Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, the Prime Minister of Mauritius, His Excellency Pravin Kumar Jagmeet, the Prime Minister of Nepal, His Excellency Pushpa Kamal Dahal Prachand, and the Prime Minister of Bhutan, His Excellency शेयरिंग टोपके। और इनके साथ हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री। आज इस समारोह के पश्चात इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया है और प्रस्थान कर रहे हैं। यहां से ये मेहमान राष्ट्रपति भवन के भीतर आज के इस विशेष अवसर पर इनका आगमन। नई सरकार का गठन और ये ऐतिहासिक पल, और अब सभी गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन की ये शानदार 31 सीढ़ियां और इनके सामने ये टस्कन पिलर्स, ये स्तंभ वास्तुकला का शानदार नमूना। और भारत के लोकतांत्रिक सफर में